जय हिंद मित्रों, YouTube के जियो बुद्धा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम मापनी के आधार पर मानचित्र का जो विभाजन किया गया है उस पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि मानचित्र को मापनी के आधार पर प्रायः दो भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो होता है वह बृहत मापनी मानचित्र यानी लार्ज स्केल मैप, दूसरा जो है लघु मापनी मानचित्र यानी स्मॉल स्केल मैप। तो अभी आपने देखा कि एक लार्ज स्केल मैप है, दूसरा जो है स्मॉल स्केल मैप है। अब यहाँ पे भी देखिएगा कि लार्ज स्केल मैप जो है उसको जो है कि दो भाग में बांटा गया है। प्रथम जो है कि वह भू संपत्ति मानचित्र होती है जिसको कैडेस्ट्रल मैप भी कहते हैं, यानी भू संपत्ति मानचित्र को कैडेस्ट्रल मैप कहा जाता है। दूसरा जो देखते हैं वह स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप होता है। तो यह देखे, उसी प्रकार देखिए कि लघु मापनी पे जो मानचित्र होती है, तो लघु मापनी पे भी जो मानचित्र बनाई गई है उसका दो पार्ट है। एक जो होता है दीवाल मानचित्र यानी वॉल मैप, और दूसरा जो होता है कि वह एटलस मानचित्र यानी एटलस मैप। अब यह आपने देखा कि इसके आधार पर टोटल कितने हो गए, चार मानचित्र हो गई। एक जो आपने देखा कैडेस्ट्रल मैप, दूसरा आपने देखा टोपोग्राफिकल मैप, तीसरा आपने देखा वॉल मैप, और चौथा जो है एटलस मैप। तो सबकी अपनी अलग अलग जो विशेषता है, किसको कैसे बनाई जाती है, अब चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बृहत मापनी यानी लार्ज स्केल पे जो बनाई गई जो मैप है वह भू संपत्ति यानी भू संपत्ति मानचित्र जो होती है, यानी भू संपत्ति मानचित्र जो आप देख रहे हैं, तो जो लार्ज स्केल मैप पे बनाई गई है। तो अब उस पर देखिए कि भू संपत्ति मानचित्र पहले कहते किसको हैं, इसको समझिए। तो भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं, जैसे आप देखते हैं कि आपके गांव का जो नक्शा है, यानी जो हम लोग देखते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं उनका जो संपत्ति, यानी जैसे संपत्ति के रूप में देखते हैं, जैसे उनका खेत है, मकान है, तो इस प्रकार की जो सतह के ऊपर उनका जो अपना अधिपत्य, तो ऐसे फीचर को दिखाने वाली जो मानचित्र होती है उसको भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं, जो क्या होता है लार्ज स्केल पे बनी होती है। जैसे आप देखते हैं गांव का मानचित्र है, तो उस गांव के मानचित्र में देखिए कि आपका छोटा से छोटा प्लॉट होगा यानी खेत जो होगा, तो उस मानचित्र पे उसको प्रदर्शित की जाती है, जिसको आप उसके नंबर को देख के और उसको आप उसको माप के आप अपने धरातल पे उसका आकार कितना बड़ा है और किस फॉर्म में है आप उसको निकाल सकते हैं। उसके अपेक्षा आपका जिस प्लॉट में घर है तो वह भी देखते हैं। तो यह तभी जो देखते हैं क्या है, जो लार्ज स्केल मैप पे बनाई जाती है। तो यह आपने समझा, जिसको कहा जाता है कि जो टैक्स जो वसूला जाता है, रेवेन्यू मैप भी इसको कहा जाता है, यानी कि टैक्स जो वसूलने का काम करते हैं, जैसे गांव में जो होती है खेत का जो हम लोग लगान भरते हैं, तो उसके लिए जो मानचित्र का प्रयोग की जाती है यही कैडेस्ट्रल मैप का ही प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, कैडेस्ट्रल शब्द जो है, तो कैडेस्ट्रल यानी फ्रांस का शब्द है जिसका फ्रांस का में इसका मीनिंग होता है कि संपत्ति रजिस्टर, यानी संपत्ति रजिस्टर जो है उसी से लिया गया है कैडेस्ट्रल। यानी कैडेस्ट्रल से क्या है, कैडेस्ट्रल बनाई गई है जिसमें क्या है कि भूमि जिससे लगान वसूल करते हैं, तो उस मानचित्र को उस पर बनाई जाती है। इसके अपेक्षा जैसे आप देखते हैं कि नगरीय क्षेत्र है, तो नगर से क्षेत्र के जो प्लानिंग के लिए जो मानचित्र तैयार की जाती है, तो यही भू संपत्ति मानचित्र होती है, जो कैडेस्ट्रल मैप होती है, जो लार्ज स्केल पे बनी होती है। इसी लार्ज स्केल पे बनी हुई मानचित्र के द्वारा नगर के प्लानिंग के लिए जो कार्य मैप बनती है वो भी। अब देखिए कि इसका क्या होता है कि इस मैप को हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो होता है कि कैडेस्ट्रल मैप होती है उसका आरएफ वैल्यू जो होता है, देखिए कि भारत में जो बनती है कैडेस्ट्रल मैप, तो वह जो है कि आरएफ जो है कि 1:3960 से लेकर एक है, और दूसरा जो है कि एक आरएफ वैल्यू है 1:1980। जो यह वैल्यू आप देख रहे हैं, अगर यह वैल्यू आपको दे दे तो डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा वह कैडेस्ट्रल मैप होगा, यानी भू संपत्ति मानचित्र होगी। अगर इसको हम देखते हैं कि इंच में कागज को मापते हैं, तो अगर 16 इंच का मेरा कागज का टुकड़ा है और 16 इंच के कागज के टुकड़ा पे जो गांव के मानचित्र को बनाई जाती है, तो 16 इंच के कागज के टुकड़ा जो होगा वह 1 मील को दिखाती है,
यानी एक मील को प्रदर्शित करने के लिए 16 इंच के कागज जो ली जाती है, जिसका आरएफ मान होता है 1:3907 और जिस मैप पे आरएफ का मान होगा 1:1980, तो उसमें जो कागज के जो टुकड़े पे जो बनाई जाएगी वह 32 इंच का कागज का टुकड़ा होगा और उस 32 इंच कागज के टुकड़े पे जो नक्शा बनेगा यानी मानचित्र जो बनेगी वह एक मील धरातल के दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह दोनों आरएफ वैल्यू जो है वह कैडेस्ट्रल मैप का है, जिसको भू संपत्ति मानचित्र कहते हैं। आप लोग जानते भी हैं कि आपके गांव का जो नक्शा बना हुआ है यही कैडेस्ट्रल मैप पे बनी हुई है, जिससे सरकार रेवेन्यू वसूल करने का काम जो करती है। मैप अगर पूछ दिया जाए कि रेवेन्यू वसूलने के लिए जो मैप होती है वह कौन सी मैप होती है, तो भू संपत्ति मानचित्र होती है। उसका आरएफ क्या होता है, तो उसका आरएफ जो है कि 1:3960 से दूसरा आरएफ जो देख रहा है कि 1:1980 होती है। अगर यह वैल्यू दे दे एक इंच, यानी कि जो देख रहे हैं, तो क्या होगा कि 16 मील के कागज के टुकड़े पे जो बनाई जाएगी तो वहां जो देखे कि एक मील को प्रदर्शित करेगी, दूसरा जो है 32 इंच के कागज के टुकड़े पे जो मानचित्र बनाई जाएगी वह एक मील को प्रदर्शित करेगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कैडेस्ट्रल मैप जो होती है कि सबसे लार्ज स्केल पे बना हुआ मैप होती है। चलिए दूसरा मैप को अब हम देखते हैं। दूसरा जो है कि वह स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप। तो टोपोग्राफिकल मैप जो है, इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो टोपोग्राफिकल मैप जैसे देखते हैं कि भारत में जो देखते हैं सर्वेयर का जो सर्वे जो देखते हैं सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट टाइम में जो स्थलाकृतिक मानचित्र यानी टोपोग्राफिकल मैप जो बनती थी वह ब्रिटिश माप प्रणाली जो थी उसी ब्रिटिश माप प्रणाली के सहायता से बनाई जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो देखते हैं भारत में जो वर्तमान मानचित्र वर्तमान में भारत सरकार जो कर अभी जो कर लिया है कि वो मैट्रिक प्रणाली को यानी सर्वे ऑफ इंडिया जो है कि अब जो मानचित्र बनाने के लिए मैट्रिक प्रणाली का अप्लाई करता है। तो मैट्रिक प्रणाली में जो होती है स्केल अलग होती है, ब्रिटिश का जो देखते हैं कि वो अलग है। ब्रिटिश के द्वारा जो यानी स्थलाकृतिक मानचित्र तैयार की जाती थी वह आपका ब्लैक एंड व्हाइट मानचित्र था। वह मानचित्र क्या था, ब्लैक एंड व्हाइट मानचित्र था, जिसका मापनी था कि एक इंच जो देख रहे हैं अगर कागज के एक इंच टुकड़ा लेते हैं तो उस पर 4 मील को प्रदर्शित करती थी। यानी एक इंच बराबर क्या है कि वह 4 मील दूरी को प्रदर्शित करता था। अर्थात जो देखते हैं उसका आरएफ मान जो होती थी कि वह आरएफ मान जो है कि उसका आरएफ मान होता था 1:2,50,000 होता था। लेकिन आजाद भारत में जब से सर्वे ऑफ इंडिया मैट्रिक प्रणाली का अप्लाई करने लगी तो मैट्रिक प्रणाली में जो है कि हमारी मापनी चेंज हो गई और एक नवीनतम मानचित्र जो बनाई जाने लगी। अब यह जो देखते हैं कि मैट्रिक प्रणाली से जो मानचित्र बनाई जाती है वह रंगीन मानचित्र होती है, यानी यह स्थलाकृति का जो फीचर है उसको देखते हैं तो यह रंगीन मानचित्र बनाई जाती है स्थलाकृतिक मानचित्र के लिए, टोपोग्राफिकल शीट के लिए। इसमें 7 रंग का प्रयोग किया जाता है, यानी इस स्थलाकृतिक मानचित्र को बनाने के लिए जो मैट्रिक प्रणाली से जो आई है रंगीन कलरफुल मैप जो बनाई जाती है उसमें जो है कि वह 7 रंगों का प्रयोग की जाती है। तो पहला देखिए कि क्या है कि काला रंग जो होता है कि वह टाइप यानी किसी भी प्लेस के नाम लिखने के लिए जिस रंग का हम प्रयोग करते हैं वह काला रंग का, अथवा उसका सीमा निर्धारण करने के लिए जो कलर का प्रयोग होती है वह भी जो है यानी बाउंड्री निर्धारण के लिए जो होता है वह ब्लैक रंग ही होता है। इसके अपेक्षा आप देखते हैं कि जो अधिवासीय क्षेत्र या सड़क होता है अधिवास और सड़क को प्रदर्शित करने के लिए इस मानचित्र पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। जलीय क्षेत्र जो देखते हैं तो जलीय क्षेत्र जो उस स्थलाकृति पे होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए जो होता है नीला रंग का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र जो है यानी कृषि क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए जिस कलर का प्रयोग किया जाता है वह पीला रंग का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए हरा रंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अपेक्षा देखते हैं कि कंटूर लाइन यानी समुच्चय रेखा को जो यानी कि उसके ऊंचाई को दिखाने के लिए जो प्रयोग करते हैं यानी कंटूर लाइन, तो उसको भूरा रंग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। पर्वत की जो ऊंचाई यानी छाया को प्रदर्शित करने के लिए जो होता है वह ग्रे कलर का प्रयोग की जाती है।
तो इस प्रकार से आपने देखा कि स्थलाकृतिक मानचित्र जो मैट्रिक प्रणाली से बनाई जाती है, जो आधुनिक मानचित्र है, इसको ए यानी मानचित्र की जो तीन श्रेणी की गई है उसमें ए श्रेणी में इस मानचित्र को रखी जाती है। अब सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जो मानचित्र जो है स्थलाकृतिक मानचित्र जो तैयार की जाती है उसका आरएफ वैल्यू जो होता है 1:50,000, यानी उस स्थलाकृतिक मानचित्र जो तैयार की जाती है मैट्रिक प्रणाली से जो कलरफुल होती है यह क्या है कि 1:50,000 को प्रदर्शित करती है। इस मानचित्र में भी आप देखिए कि यह भी लार्ज स्केल पे बना हुआ मानचित्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह कार्डेस्ट्रल मैप जो है उसके अपेक्षा यह जो होता है स्मॉल स्केल होता है, यानी इस कार्डेस्ट्रल मैप जो है कि सबसे लार्ज है, उसके बाद जो आती है कि आपको टोपोग्राफिकल सीट का स्केल आता है, ऐसे उसकी भी काउंट लार्ज स्केल में होती है। तो इसका आरएफ वैल्यू देखिए कि 1:50,000 होती है, यानी कि यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, 1:50,000 उसको समझिएगा। इसी प्रकार देखते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप में क्या होती है कि स्थल के ऊपर जो प्राकृतिक लक्षण है और दूसरा जो देखते हैं कि मानवीय लक्षण है, तो प्राकृतिक लक्षण और मानवीय लक्षण को सही सही प्रदर्शित करने के लिए कलर का और रूढ़ चिन्हों का प्रयोग की जाती है। यानी स्थलाकृतिक मानचित्र को देखकर आप यह बता सकते हैं कि यह कहाँ पे अधिवास क्षेत्र है, कहाँ पे कृषि क्षेत्र है, समुद्र तल से उसकी ऊंचाई कितनी है, कहाँ पर्वतीय छाया पड़ता है, कहाँ जो है कि आपको जो है कि वनस्पति क्षेत्र है घना, कहाँ पे वाटर बॉडी है, उसका वाटर बॉडी का शेप कैसा है, तो यह सारा चीज जो है कि आप देखकर बता सकते हैं। कहाँ पे जैसे देखते हैं मंदिर है, कहाँ पे मस्जिद है, कहाँ चर्च है, गिरजाघर है, गुरुद्वारा है, तो इस प्रकार के जितने भी देखते हैं यह सारा फीचर यानी उसकी लक्षण जो होता है स्थलाकृतिक मानचित्र पर प्रदर्शित कर दी जाती है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो यह मैप भी जो बनती है वह लार्ज स्केल पे ही बनता है, यानी यह मैप किसके द्वारा, तो सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इस मैप को पब्लिश की जाती है। अब देखिए कि अगला जो है लघु मानचित्र पे जो बनाई जाती है, यानी लघु मापनी पे जो मानचित्र यानी स्मॉल स्केल पे जो मैप बनाई जाती है वह प्रथम देखिए कि दीवाल मानचित्र होती है, यानी वाल मैप होती है। तो वाल मैप भी क्या है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा पब्लिश की जाती है। अब ये देखिए कि यह लार्ज स्केल पे यानी यह जो होता है स्मॉल स्केल पे बना हुआ मानचित्र होता है। अब इस पे जो धरती के यानी सरफेस के ऊपर जो लक्षण होती है उसको आप पूरे अच्छे तरीका से आप नहीं देख सकते हैं एक साथ ही, तो यह देखे कि जैसे इसको अलग अलग तरीका से, अब यह जो देखते हैं कि वाल मानचित्र जो बनाई जाती है तो जैसे भारत का जैसे देखते हैं तो पॉलिटिकल चाहे विश्व के जो पॉलिटिकल मानचित्र को अथवा भिन्न भिन्न देशों के जो मानचित्र जैसे राजनीतिक मानचित्र है उसको प्रदर्शित करने के लिए जहाँ स्कूल कॉलेज में जो टांगी जाती है, इसके अपेक्षा देखते हैं कि जो सॉयल मानचित्र है, वनस्पति मानचित्र है, जलवायु मानचित्र है, एग्रीकल्चर मानचित्र है, तो इस प्रकार के जो मानचित्र आप देखते हैं जिसको दीवाल पे टांगी जाती है, तो यह मानचित्र जो भारत के सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो पब्लिश की जाती है यानी जो लघु स्केल मानचित्र जो होती है यानी वाल मैप, उसका आरएफ जो होता है 1:15,000,000, यानी जो देख रहे हैं कि यानी कि कितना है 15 मिलियन पे है, यानी इसको समझ सकते हैं ऐसे कि अगर कागज पे अगर हम जिस मानचित्र यानी जिस कागज पे यह मानचित्र बनी है तो उस कागज पे अगर हम 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो वही दोनों स्थान के बीच हमको धरातल पे 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा। दूसरा उसका आरएफ जो होता है वह 1:50,000 है, यानी यह जो होता है कि आप जो धरातल पे वह 25 किलोमीटर होती है यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 25 किलोमीटर, यानी कागज पे जो मानचित्र पे 1 सेंटीमीटर तो धरातल पे आपने सेकेंड वाला देखा कि 25 किलोमीटर, प्रथम वाला जो देखा कि आपने आरएफ तो यानी कि कागज पे जो है 1 सेंटीमीटर तो धरातल पे 150 किलोमीटर जो होती है, तो इस स्केल पे मापनी तैयार की जाती है। अब देखिए कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह मानचित्र जो पब्लिश की जाती है तो देखिए कि 1:15,000,000 स्केल पे जो मानचित्र तैयार की जाती है भारत का, तो भारत के मानचित्र को तैयार करने के लिए आपको जो कागज का टुकड़ा होगा वह 32 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर जो वर्ग सेंटीमीटर यानी जो देख रहे हैं एक जो लेंथ यानी उसकी लेंथ क्या होगा यानी कि 32 सेंटीमीटर, उसका ब्रेथ यानी कुछ कागज की चौड़ाई कितना होगा 30 सेंटीमीटर, तब यह जो होगा कि उस पे भारत के मानचित्र को जो है इस स्केल पे यानी 1:15,000,000 पे जो बनाई जाती है, तो उसके लिए आपने यह देखा। यह जो मानचित्र देखते हैं तो इस पे जितने भी अभी आपको हम बताए हैं पॉलिटिकल है, जलवायु का है,
प्राकृतिक है, इस प्रकार से जो सॉइल है, एग्रीकल्चर है, इस सब को प्रदर्शित करने के लिए इस स्केल पे बनाई जाती है। दूसरा जो होता है कि सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ही जो देखते हैं कि यानी वन अनुपात 250,000 मापनी पे जो बनाई जाती है, तो उसका जो होता है भारत के मानचित्र को बनाने के लिए यानी कि खास करके उसको बनाई जाती है, तो वह आपको रोड मैप यानी आप जो देखते हैं कि रोड मैप यानी सड़क मानचित्र जो होती है खास करके उस पे बनाई जाती है, तो जिसकी क्या होता है 1:250,000 जो मापनी पे होती है, तो इस मापनी पे जो बनाई जाती है वो रोड मैप। अब वो देखिए कि वह मापनी जो भारत के मानचित्र बनाती है सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसमें जो कागज के टुकड़ा होता है वह जो उस कागज की लंबाई जो होती है 152 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई जो होती है वह 121 सेंटीमीटर होती है, यानी 152 × 121 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली जो कागज के टुकड़ा होगा, तो उस टुकड़े पे भारत के जो रोड मैप है उसको प्रदर्शित की जाती है। तो आपने यह देखा कि क्या है स्मॉल स्केल मानचित्र है, यानी कि जो वाल मैप क्या है स्मॉल स्केल मानचित्र है, यानी यह देख लिए। अब अगला देखिए तो सबसे जो स्मॉल स्केल मानचित्र होती है वह एटलस मानचित्र होता है, यानी एटलस मानचित्र जो देखते हैं कि जो आप एटलस खरीदते हैं तो एटलस में आप देखते हैं कि विश्व के पूरे देश को देखते हैं एक साथ विश्व के मानचित्र बनाई जाती है। इसके अपेक्षा जो होता है कि उपमा यानी कि विश्व के जो है कि भिन्न भिन्न देशों के मानचित्र बनाई जाती है अथवा उस महाद्वीप की मानचित्र बनाई जाती है अथवा उस पे सागर जो होता है महासागर है उसकी मानचित्र बनाई जाती है अलग अलग, तो उसमें अलग अलग स्केल का प्रयोग किया जाता है। जो एटलस मानचित्र देखते हैं कि सबसे स्मॉल स्केल मानचित्र है, तो यह संसार के एटलस मानचित्र पे जो संसार की मानचित्र बनाने के लिए जो स्केल प्रयोग होती है वह है 1:100 पे जो देखते हैं 1:132 मिलियन यानी 132 मिलियन मापनी पे जो संसार की मानचित्र बनाई जाती है, तो यानी कि कह सकते हैं कि यानी कागज के जिस टुकड़े पे यह मानचित्र बनाई गई है तो उस कागज के टुकड़े पर अगर हम 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो धरातल पर जाके हमको मापना पड़ेगा 1,320 किलोमीटर, यानी कागज के टुकड़ा पर जो 1 सेंटीमीटर की जो दूरी होगी तो वही दूरी वास्तविक दूरी जो धरातल पे होगी वह 1,320 किलोमीटर के बराबर होगी, जो विश्व के मानचित्र बनाने के लिए वह स्केल का प्रयोग की जाती है। दूसरा जो देखते हैं कि भिन्न भिन्न महाद्वीपों को यानी अलग अलग मला जो महाद्वीप होती है तो उस महाद्वीप को प्रदर्शित करने के लिए जो इस स्केल का प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है कि 1:240 मिलियन यानी वह 24 मिलियन 240 नहीं यानी वहां आरएफ जो प्रयोग की जाती है वह 24 मिलियन से दूसरा जो होता है कि 1:48 मिलियन मापनी पे यानी जो आरएफ होती है उस पे जो होता है विश्व के भिन्न भिन्न महाद्वीपों को प्रदर्शित की जाती है। तो आपने समझा इसका मतलब क्या है कि अगर यह जो महाद्वीप बनाई जाती है जिस कागज के टुकड़े पे, तो उस कागज के टुकड़े पे अगर आप 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो धरातल पे पहला आपने देखा जिसका क्या है 1:100 यानी कि 1:100 जो देख रहे हैं 24 मिलियन जिसमें है उसका मतलब हुआ कि धरातल पर जाके आपको कागज पे 1 सेंटीमीटर तो धरातल पर 240 किलोमीटर की दूरी मापनी पड़ेगी। दूसरा जो आप देख रहे हैं वह दूसरा क्या है कि यानी कि 1:48 मिलियन है, तो यह हुआ कि अगर उस मानचित्र स्केल से अगर महाद्वीप की मानचित्र बनी है तो उसमें क्या करना है कि अगर कागज पे जिस कागज पे अगर वह बनी हुई है तो उस कागज पे अगर हम 1 सेंटीमीटर मापते हैं तो धरातल पर जाके हमको 480 किलोमीटर दूरी मापना होगा, तो जो कागज पे हमने 1 सेंटीमीटर मापा है तो वही दोनों बिंदु के बीच यानी वही दोनों स्थान के बीच धरातल की दूरी जो होगी वह 480 किलोमीटर की होती है। तो आपने यह देखा तो यह प्रयोग की जाती है। अब इसके आधार पर आप देखिए कि क्या है कि अब जो है कि आप इसको जो है कि मानचित्र को अवरोही क्रम में सजाए यानी कि मापनी के आधार पर जो मानचित्र को अवरोही क्रम में आपको सजाना है लार्ज स्केल से, तो आप देखिए सबसे बड़ा स्केल यानी लार्ज स्केल वाली जो मानचित्र होती है वह भू संपत्ति मानचित्र होती है यानी कैडेस्ट्रल मैप होती है। दूसरा जो आता है वह स्थलाकृतिक मानचित्र होती है यानी टोपोग्राफिकल मैप होता है। दूसरा तीसरा जो देखते हैं कि दीवाल मानचित्र यानी वॉल मैप्स है, जिस जो घर में या स्कूल कॉलेज में जो हम मानचित्र जो दीवाल पे टांगते हैं उसी को वॉल मैप कहते हैं, तो तीसरा जो है कि वह आपका वॉल मैप आएगा। और सबसे स्मॉल स्केल पे जो बना होता है वह एटलस मानचित्र होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा अवरोही क्रम में अगर सजाना हो, आरोही क्रम में अगर सजाना हो तो हम एटलस मानचित्र लेंगे, उसके बाद दीवार मानचित्र लेंगे, तब टोपोग्राफिकल मैप होगा, तब कैडेस्ट्रल मैप होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मापनी के आधार पे
मानचित्र को सबसे पहले दो वर्ग में बांटी गई है, यानी लार्ज स्केल मैप और स्मॉल स्केल मैप। लार्ज स्केल मैप का भी दो मानचित्र है, यानी कैडेस्ट्रल मैप और टोपोग्राफिकल मैप, और स्मॉल स्केल मैप का भी आपने दो देखा, यानी दीवार मानचित्र यानी वॉल मैप और एटलस मैप। तो इस प्रकार से आपने देखा। थैंक यू मित्रों।